नमस्कार, मैं हूँ साक्षी जैन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। कई होमगार्ड ने अपनी समस्या को लेकर गृह मंत्री को दिया ज्ञापन। इंदौर में बड़वानी के विद्यार्थियों ने डीएवीवी में सप्लीमेंट्री परीक्षा को लेकर दिया धरना। कांग्रेस सरकार के विरोध में इंदौर में भाजपा का प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। होमगार्ड नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन मुख्यालय द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से विभाग द्वारा होमगार्ड सैनिकों के रोटेशन पुनः प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके चलते होमगार्ड को साल में केवल 10 महीने ही नौकरी पर रखा जाता है और 2 महीने घर बिठाया जाता है। इसको लेकर जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश पर रोटेशन पद्धति को बंद कर दिया गया था, लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद भी विभाग द्वारा इसकी अवहेलना करते हुए इस प्रकार के आदेश जारी कर दिया गया। रेसिडेंसी कोठी आए प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन को होमगार्ड जवानों ने ज्ञापन सौंपा। होमगार्ड के रोटेशन पद्धति से प्रदेश में लगभग 2,750 होमगार्ड की परेशानी बढ़ा दी है। उनका कहना है कि हमारी ड्यूटी पुलिस की ड्यूटी की तरह ही है, जो पुलिस कार्य करती है वही कार्य हम भी करते हैं। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ कुंभ 2016 को होमगार्ड की भर्ती हुई थी, लेकिन इस रोटेशन पद्धति की वजह से एक साल में केवल 10 माह ड्यूटी का प्रावधान है और 2 माह रोटेशन के तहत हमें घर बैठा दिया जाता है, जिससे 2 महीने हम दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। साथ ही इन 2 महीनों में घर की माली हालत भी खराब हो जाती है। आज प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन को ज्ञापन देने आए होमगार्ड ने अपनी पीड़ा पत्रकारों को बताई। वहीं गृह मंत्री बाला बच्चन ने ज्ञापन लेते हुए आश्वासन दिया कि जल्द ही इस रोटेशन पद्धति पर कोई ना कोई निर्णय जरूर लिया जाएगा। गृह मंत्री जी से ये निवेदन करने आए हैं कि हम लोगों का जो रोटेशन प्रणाली थी वो बंद हो चुकी थी और हाई कोर्ट के आदेश भी थे 2010-11 में कि इन लोगों की रोटेशन प्रणाली नहीं हो, लेकिन अभी गृह मंत्री जी ने फिर मतलब डीजी साहब ने वापस से आदेश निकाल दिया कि इन लोगों की रोटेशन प्रणाली हो, जो 10 माह नौकरी करेंगे और 2 महीने घर बैठेंगे। तो हम लोगों का यही निवेदन है कि हमारी रोटेशन प्रणाली बंद करें। श्रीमान मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने हमें नियमित करने का आदेश दिया था, जबकि वापस से हमारे रोटेशन प्रणाली चालू हो गई है। हम 2016 के सिंहस्थ भर्ती हैं। हम गृह मंत्री जी से मिलने आए हैं कि हमारा रोटेशन प्रणाली बंद की जाए, इसी विषय में हम ज्ञापन देने आए हैं। डीएवीवी के कार्यालय में शुक्रवार को बड़वानी जिले से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं आए और अधिकारियों से सप्लीमेंट्री परीक्षा की कॉपियों को लेकर चर्चा करने लगे। बीएससी प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का कहना था कि सप्लीमेंट्री एग्जाम की कॉपियां अच्छे से नहीं जांची गई हैं। सैकड़ों की संख्या में इंदौर पहुंचे बड़वानी के विद्यार्थियों का आरोप था कि उनके द्वारा सप्लीमेंट्री की परीक्षा दी गई थी, जिसके बाद कॉपियों में करीब 70 से अधिक विद्यार्थियों के 0 से 1 नंबर आए हैं। वहीं कई विद्यार्थियों का कहना था कि उन्होंने मेहनत करके पेपर दिया और उनका पेपर अच्छा गया था, किंतु कॉपियों का मूल्यांकन करने वालों ने सही तरीके से कॉपी की जाँच नहीं की है। सभी ने कॉपियों की पुनः जाँच करवाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारियों का कहना है कि यूनिवर्सिटी को जो भी फैसला होगा वह छात्र हित में होगा और 2 या 3 दिनों में कुछ कॉपियों का मूल्यांकन कर दिया जाएगा कि यहाँ क्या गलती हुई है। वहीं अधिकारी का कहना है कि यदि इसमें कॉपी के मूल्यांकन करता दोषी पाया गया तो उन पर कार्यवाही भी की जाएगी। समस्या को लेकर के इंदौर सिटी में आए हुए हैं। हम लोगों ने सेकंड ईयर की एग्ज़ाम दी थी, जिसमें से हमने सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम दी थी, जिसमें से हम लोगों को 0 नंबर 1 नंबर वापस से जब रिजल्ट घोषित किया गया, 0 नंबर 1 नंबर दिया गया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमें 0 नंबर दिया गया है तो किस हिसाब से दिया गया है। हम अगर बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट, हम पहले दूसरे के स्टूडेंट नहीं हैं। हम लोगों ने अभी तक थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग अभी ना तो हमें आगे थर्ड ईयर में एडमिशन लेना दिया जा रहा है और ना ही हम लोग अभी सेकंड ईयर की एग्जाम क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने थर्ड ईयर की तैयारी करी है। फिर हम एकदम से कैसे हम लोग सेकंड ईयर की एग्ज़ाम दें? और 0 नंबर अगर हमें दिया गया है, 1 नंबर दिया गया है, हम पहले दूसरे के स्टूडेंट नहीं हैं। ठीक है ना, कितने आप लोग कितने सारे ऐसे स्टूडेंट और कौन कौन से कॉलेजेस हैं? हम लोग SBN पीजी कॉलेज बड़वानी से है और GDC कॉलेज बड़वानी से है। करीबन हम लोग 68+ स्टूडेंट हैं टोटल, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट को 1 नंबर दिया गया है, 2 नंबर दिया गया है, 0 नंबर दिया गया है, तो
और अभी रिजल्ट हमारा लेट घोषित किया गया, जिस कारण से हम लोग ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना ही हमको रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। उसमें केमिस्ट्री विषय में उन लोगों को कम मार्क्स दिए गए हैं, इसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के बच्चे हैं ये। बट एक्चुअल स्थिति ये है कि हमारा जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है वो 69% है, एक बात। दूसरा, अभी मैं भी गया था, एग्जाम कंट्रोलर भी थे मेरे साथ, मेरे अन्य अधिकारी भी थे, हम लोगों ने बच्चों को ये समझाने की कोशिश की, छात्र नेताओं को भी, कि अगर उन्हें ये लग रहा है कि बड़वानी में स्पेशली कम मार्क्स आए हैं तो हम ऐसे बच्चों की 15 या 20 बच्चों की कॉपियां हैं जो वो निकलवा कर सैम्पलिंग कर कर देख लेंगे कि क्या वस्तुतः हमारे मूल्यांकनकर्ता ने जो वैल्यूअर है उसने कोई गलती की है। इस तरह की बच्चों को हम समझाइश भी देने की देना चाह रहे हैं, ये बता रहे हैं उनको कि हम देखेंगे। छात्र हित में ही विश्वविद्यालय निर्णय लेता है, ऐसा नहीं है, पर जो प्रक्रिया और नियम होता है उसका वो डेटा हम निकलवा लेंगे कि 0 और 1 मार्क्स वाले, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 70 स्टूडेंट्स ऐसे हों, ये पॉसिबल नहीं है, हो सकता है 1-2 बच्चों को आए। पॉल्यूशन के लिए हमने ये कहा, केमिस्ट्री में जैसे 3 कॉपियाँ होती है, 3 कॉपियाँ भी निकलवाना 15 बच्चों की, फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट से उसका वैल्यूएशन भी करवाना, इसमें समय लगता है। हमने बच्चों को ये कहा 3 या 4 दिन में हम सैंपलिंग की कार्रवाई पूर्ण कर देंगे। इंदौर में शुक्रवार को भाजपा का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और सांसद शंकर लालवानी की विशेष मौजूदगी रही, जहां प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा ने जंगे प्रदर्शन किया। कमलनाथ सरकार द्वारा चलाए जा रहे माफिया विरोधी अभियान से नाखुश भाजपा नेताओं ने कलेक्टर का घेराव और धरना प्रदर्शन रखा, जहां तमाम दावे सोशल मीडिया और भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता करते नजर आ रहे थे कि लाखों की संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे और सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध धरना देंगे, लेकिन भाजपा नेता भीड़ जुटाने में पूरी विफल नजर आए, जिसका असर बड़े नेताओं के भाषण में नजर आया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के भाषण खत्म होते ही कार्यकर्ता कलेक्टर परिसर की ओर आगे बढ़े, जहां पुलिस प्रशासन पुख्ता बंदोबस्त किए मुस्तैद खड़ा था। धक्का मुक्की के बीच राकेश सिंह, शंकर लालवानी, रमेश मेंदोला सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद एक चल पड़ी बात, तो आज मुझे भी यहाँ आना पड़ा कि यह गलत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी सहन नहीं कर सकती है, और तुम्हें भी हम बताना चाहेंगे कांग्रेसियों, अरे इनको हुआ क्या है, मैं समझ में नहीं आ रहे। हम भी रहे सांसद, उस समय कभी कभी विपक्ष का भी राज था, कभी हमारा भी राज था। जिला योजना के बैठक में हम भी जाते रहे, हमारे ये विधायक बैठे जाते रहे, कभी विपक्ष के राज में उनका मंत्री बैठा हो, मगर फिर भी सांसद का था, वहाँ सांसद की कुर्सी जिला योजना में भी सम्मान पूर्वक रखी जाती है, नियम के अनुसार रखी जाती है, क्योंकि जिला योजना में सांसद भी उपाध्यक्ष के रूप में बैठा, उसका भी अपना एक सम्मान है, वो भी देना सीखो, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो। इंदौर में तो कम से कम आज तक ऐसा नहीं हो, मगर तुम्हें बोलने का अधिकार किसने दिया? अरे विपक्ष में अगर हम है तो हम जनता के लिए प्रश्न तो पूछेंगे, अगर जनता के काम नहीं हो रहे हैं, अगर योजना में कुछ गड़बड़ी है, तो प्रश्न पूछने का अधिकार जनप्रतिनिधि को है। और आप अगर बोलोगे कि बाहर निकल जाए या बाहर करूंगा, चुने हुए जनप्रतिनिधि को प्रश्न पूछने के आधार पर बाहर करने का अधिकार किसी को नहीं होता, मगर ये नए नए मंत्री बने हैं, ठीक है, अच्छा काम करो, लेकिन ये समझना पड़ेगा सही क्या है और गलत क्या है, और अगर इस तरीके से काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं सहन करेगी, ये दिखाने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं आखिरी में एक बात और कहूँगी, CAA की बहुत बातें होती है, ये कानून बनाया, इनको लगता है संविधान के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, नहीं होना चाहिए। पहली बात तो बताना चाहूंगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिए हैं कि केंद्र को कौन से कानून बनाना, स्टेट को कौन से कानून बनाना, और उस अधिकार के तहत अगर केंद्र कानून बनाता है
तो स्टेट वाले नहीं कह सकते हैं कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, केंद्र का अधिकार है। और कानून भी कब बना रहे हैं, जब उनको दो तिहाई बहुमत मिला है। जनता ने उनको ये अधिकार दिया है कि आप कानून बनाओ, बाकी तो सब आपको मालूम है सालों साल से क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं केवल संवैधानिक बात बता रही हूँ, जनता ने दो तिहाई अधिकार दिया है। अगर तुम्हें कल दो तिहाई अधिकार मिला, जनप्रतिनिधि या जनता ने दिया, तुम उस कानून को निरस्त करना चाहते हो उस समय करो, मगर आज तो उन्होंने अधिकार के साथ किया है तो स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती। हाँ, एक रास्ता आपको खुला है, ये प्रदर्शन करके कानून निरस्त नहीं किया जा सकता है। भारत में प्रजातंत्र इतना पक्का है, संविधान इतना व्यवस्थित है, हर एक को कार्यपालिका न्यायपालिका संसद हर एक के अपने अधिकार तय है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगी, अगर कुछ तुम्हें गलत लगता है तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं कोई बात नहीं, उसका विरोध नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। ये जिस तरीके से लोगों को भड़काने की बात होती है, भूले बिसरे नेता आ रहे हैं। तो परसों आई थी हमारी सुभा चुनिंदी, कोई थी मेरे साथ संसद में, अब इनका नामो निशान नहीं रहा है इनकी पार्टी का, मगर भड़काने के लिए आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये करने का किसी को अधिकार नहीं है। इस बात को समझ के बाप बाप है, बेटा बेटा है और पोता पोता। तेरे पास हाथ है उसके पास, तू तो एक ही विधानसभा से है, वो आठ विधायकों के ऊपर सांसद बनता है। अपनी हैसियत पहचान, अपने आप को पहचान और भारतीय जनता पार्टी की ताकत को पहचान। और वो जो कौन आदमी महेंद्र सिंह सोलंकी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, वाइस स्टेट है, जज था, न्यायालय में काम कर जज था, न्यायाधीश था, उसे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति ने प्रभावित किया। अपनी जज की नौकरी छोड़ के देवास से लोकसभा का चुनाव लड़ा और देवास की जनता ने सिर आंखों पर बिठाकर उसे विजयी बनाकर सांसद बना दिया। वो व्यक्ति उसको तू कानून सिखा रहा है, उसको बैठने का स्थान बता रहा है। बेटे अगर वो कभी उस कुर्सी पे बैठा होता तो चप्पल उतार के उनके कमरे में खड़ा होना पड़ता है। जीतू बाबू ये ध्यान रखना, उनसे कह रहा हूं कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ से चले जाओ, अपनी हैसियत को पहचानो। ये मंत्री ये विधायकी सब टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है, सब समय की बात है। अभी सूरज तुम्हारे पे चमक रहा है लेकिन हम अंधकार में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे दिए जितने दिख रहे हैं, ये सूरज से मुकाबला करने को यहाँ पर तैयार खड़े हैं। आप सब इस बात के लिए तैयार रहे, आप सब इस बात के लिए अपने आप में मजबूत रहे कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और हम कमलनाथ की सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। वहीं इस दौरान बीते दिनों हुई जिला योजना समिति की बैठक में देवास के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और मंत्री जीतू पटवारी के बीच हुए विवाद को भी मुद्दा बनाया गया, जहां सभी नेताओं ने मंत्री पटवारी और कांग्रेस के नेताओं की निंदा की। इस दौरान ताई ने कहा कि कांग्रेसी सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं, वह भूल गए हैं कि वह भी विपक्ष में हमारे सामने ऐसी बैठकों में बैठे थे, लेकिन हमने कभी उनका अनादर नहीं किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद था, अंत में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई। एफआईआर से और अत्याचार से डरने वाले नहीं है, इस कमलनाथ जी की सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। भद्रीलाल यादव के बयान को किसे देखेंगे? मेरा मानना है जो उन्होंने मुझसे कहा था, अगर उनके बयान का अर्थ गलत होता तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होता जो उनके खिलाफ कार्रवाई करता। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा कहने का आशय है कि जैसे कोई माँ अपने गोद में बच्चे को बैठाल कर कटोरी चम्मच से दूध पिलाती है, उसी तरह से ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कटोरी चम्मच से दूध पिला रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरा कहने का आशय ये था जिसको गलत अर्थों में लिया गया।
फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए बने रहिए खबर एंड ब्रेक के साथ जनता की बुलंद आवाज।